So we'll start with next chapter, that is first chapter of part two. तो फिजिक्स के दो पार्ट्स है, पार्ट वन एंड पार्ट टू. तो फिजिक्स पार्ट टू का जो पहला चैप्टर है, मे बी साउंड को भी पहला चैप्टर बोलते हैं, बट आई विल स्टार्ट विथ ऑप्टिक्स. दिस इज चैप्टर वन ऑफ पार्ट टू फॉर मी. हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अब एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था रे ऑप्टिक्स. वाई रे ऑप्टिक्स वो समझेगा थोड़ी देर में, समझ में आ जाएगा इसको रे ऑप्टिक्स क्यों बोलना चाहिए. तो बेसिकली ऑप्टिक्स के दो पार्ट्स है, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स. हम दोनों देखेंगे डिटेल में. रे ऑप्टिक्स आपको 11th में है और वेव ऑप्टिक्स आपको 12th में है. बिफोर वी स्टार्ट, मेन थ्योरी स्टार्ट करने से पहले, हर बार नए चैप्टर का पहला लेक्चर होता है इंट्रोडक्शन. तो सिमिलरली यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, बाय स्लोली स्लोली डेवलपिंग सम थ्योरी. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी पता होने चाहिए. तो जब आप फिजिक्स की बात करते हो, ओवरऑल फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, हर एक को एक नाम है. फॉर एग्जाम्पल जब आप मोशन की बात करते हो तो इसको आप बोलते हो मैकेनिक्स. द स्टडी ऑफ मूविंग बॉडीज इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स, राइट. सिमिलरली सिमिलरली जब आप चार्जेस एट रेस्ट, मतलब जो हमारे पास चार्जेस है और वो चार्जेस मूविंग नहीं है, एट रेस्ट है, तो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्योंकि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट. तो जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आगे जाके बहुत काम में आएगा. तो फिजिक्स में हर एक टॉपिक को एक नाम है, चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक. यू हैव ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग, आपकी गाड़ी मूव हो रही है, एक बॉल है जो मूव हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स. तो स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स. स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर मूविंग, मूविंग चार्जेस, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जब चार्जेस मूव होंगे तो क्या मिलेगा, करंट. तो इसको बोलते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, देर आर मेनी सच टॉपिक्स, राइट. तो सिमिलरली सिमिलरली जब हम साउंड की स्टडी करते हैं, साउंड, द स्टडी ऑफ साउंड, व्हाट डू यू मीन बाय साउंड. साउंड मतलब साउंड वेव जनरेट कैसे हुआ. फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो मेरा जो थ्रोट है, थ्रोट, आपका भी थ्रोट, मेरा थ्रोट, इट विल जनरेट वाइब्रेशंस. तो जब आप साउंड का स्टडी करते हो तो आप कंप्लीट स्टडी करते हो. व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट स्टडी. साउंड जनरेट कैसे हुआ, साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे गया. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ मतलब मेरा थ्रोट वाइब्रेशन जनरेट करेगा, ये वाइब्रेशन थ्रू एयर आपके कान तक पहुंचेंगे. कान के अंदर होता है ईयर ड्रम, ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा बिकॉज द साउंड दैट आई जनरेट इज बेसिकली वाइब्रेशन इन एयर. तो एयर के मॉलिक्यूल्स को वो वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन आपके कान तक पहुंचेंगे. आपके कान में जो ईयर ड्रम होता है वो उस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेगा, और उस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के बाद वो वापस से साउंड को एज अ सिग्नल ब्रेन में भेजेगा, एंड योर ब्रेन स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड देन यू अंडरस्टैंड कि क्या मैं बोल रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ध्यान दो, व्हाट इज हैपनिंग, माई थ्रोट इज जनरेटिंग सम वाइब्रेशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी. ये फ्रिक्वेंसी क्या है बाद में देखते रहेंगे, राइट. तो ये साउंड एयर से आपके कान पे पहुंचा, कान ने वापस उसको प्रोसेस करके दिमाग में भेज दिया. सर ने बोला है ध्यान दो, एंड ऑल ऑफ यू स्टार्ट लुकिंग हियर. द स्टडी ऑफ साउंड, टोटल कंप्लीट स्टडी ऑफ साउंड, साउंड के जनरेशन से लेके उसके ट्रांसमिशन तक. जनरेशन मतलब जनरेट करना, ट्रांसमिशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना, और उसको डिटेक्ट करना. डिटेक्ट करना मतलब जैसे आपका कान, योर ईयर इज अ डिटेक्टर, वो साउंड को डिटेक्ट करता है. इसकी कंप्लीट स्टडी को हम बोलते हैं एकॉस्टिक्स. क्या बोलते हैं इसको, एकॉस्टिक्स. तो मैं थोड़ा सा स्लो ही जाऊंगा, आई विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. एक बार आपकी लिंक लग गई तो वी विल इंक्रीज स्पीड. तो वी आर स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ऑप्टिक्स में क्या करना है वो देखते हैं, लेकिन पहले फिजिक्स में क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए. फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. फिजिक्स में मैकेनिक्स है, मोशन का स्टडी, मूविंग बॉडीज का स्टडी. फिजिक्स में मूविंग चार्जेस का स्टडी है करंट इलेक्ट्रिसिटी. फिजिक्स में आप साउंड का स्टडी करते हो जिसको बोलते हो एकॉस्टिक्स. सो
we know that the study of sound, अब मैं जब बोलता हूँ द स्टडी ऑफ साउंड मतलब द साइंस ऑफ साउंड, एक ही बात है, द साइंस ऑफ साउंड इसमें सब कुछ आ गया। साउंड जनरेट कैसे होगा, साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाएगा, साउंड डिटेक्ट कैसे होगा, एवरीथिंग। सो द साइंस ऑफ साउंड इज नोन एज एकॉस्टिक्स, इज नोन एज एकॉस्टिक्स। आपने ये सुना भी होगा, पता नहीं इफ यू हैव एक्सपीरियंस इट और नॉट, बट अपने यहाँ पे जो थिएटर है, पुराने जमाने के थिएटर, वहाँ आप जब जाओगे, अभी तो शायद चेंज किया होगा, आई वेंट 10 years back, पता नहीं 10 साल पहले गया था मैं कहीं, तो जब मूवी शुरू है तो साउंड क्लियर नहीं आता था, इको, एक वर्ड 10 बार सुनाई देगा, राइट, उसको बोलते हैं पुअर एकॉस्टिक्स। तो पुअर एकॉस्टिक मतलब पुअर साउंड। तो साउंड से रिलेटेड जो भी साइंस है तो क्या बोलते हैं हम लोग, एकॉस्टिक्स। सिमिलरली लाइट से रिलेटेड द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। तो लाइट जनरेट कैसे हुआ, लाइट के पास एनर्जी कितना है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे गया, उसको डिटेक्ट कैसे किया, ये सारा का सारा आता है अंडर वन हेडिंग कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। तो याद रखना ये सिमिलरली द साइंस ऑफ लाइट द स्टडी ऑफ लाइट द साइंस ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। तो अगली बार से जब भी ये वर्ड सुनो ऑप्टिक्स, फॉर एग्जांपल चश्मा बनाने जाते हो तो उसके आगे भी लिखा होता है ऑप्टिशियन, राइट, क्योंकि चश्मा पहन के यू सी, लाइट पासेस थ्रू दिस स्पेक, इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। एनीथिंग रिलेटेड टू व्हाट यू कैन सी इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। तो लाइट जनरेट कैसे हुआ, लाइट ट्रांसमिट कैसे हुआ, लाइट डिटेक्ट कैसे हुआ, ये सारा का सारा स्टडी है ऑप्टिक्स के अंडर। यहाँ तक क्लियर? अभी हमने मेन टॉपिक चालू नहीं है किया है, करेंगे, सिर्फ बेसिक आइडिया क्लियर रखो। जब भी एकॉस्टिक सुनोगे तो मतलब यू आर स्टडिंग साउंड, जब ऑप्टिक सुनोगे तो यू आर स्टडिंग लाइट, करेक्ट, लाइट। तो स्टडी ऑफ लाइट, साइंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। अब लाइट का स्टडी करने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि लाइट एक्चुअली है क्या, वॉट इज द नेचर ऑफ लाइट, ये पता होना चाहिए। So what do you mean by light? What is light? If I ask you, what is the meaning of light? Light is light. Light is light. But what is light? Electromagnetic wave. Very good. So jaise for example, is pure universe mein do hi cheeze hai. Ya to wave, ya to matter. So ya to aap usko bologe wave, ya phir bologe particle. So particle jaise chalk ka tukda, particle. वेव जैसे जो लाइट आ रहा है इसको बोलते हो वेव। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इधर एज मैटर और एज वेव। तो लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेरी गुड, ये एक्सपेक्टेड था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसमें दोनों कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जो कुछ भी हम वेव देखते हैं, लाइट देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, टोटल 3 डायरेक्शन है। एक है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो टोटल 3 डायरेक्शन है, एक है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, द डायरेक्शन इन विच अलॉन्ग विच लाइट इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, फिर मेरे पास 2 एक्सिस बचते हैं, एक है वाई एक्सिस, एक है जेड एक्सिस। तो ये आ गया वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो इन टोटल 3 हमारे पास एक्सिस है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 कंपोनेंट्स है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन अगर एक्स जेड प्लेन में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में है
तो मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है, तो वो होगा एक्स वाई प्लेन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखेगा आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस बोर्ड, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल है, डू नॉट वरी इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। जैसे ही आगे मैंने पूछा व्हाट इज लाइट, तो यू शुड से लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड यूज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। अब ये जो रेड वेक्टर, मैं जो रेड कलर में दिखा रहा हूँ, ये जो रेड है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिटेल आप सीखोगे ही बाद में। और जो ब्लू में दिखा रहा हूँ ये है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं ई से, और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम नहीं यूज होता, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम लोग बी से, किससे, कैपिटल बी से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन चीज है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में है, एक्स जेड। इमेजिन, इमेजिनेशन तो बढ़ाना ही पड़ेगा फिजिक्स सीखना है तो। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये बाहर आया वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, एक्स जेड में, मतलब किस में है, इस बोर्ड में, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, एक्स वाई में, मतलब कहाँ पे है, ये बाहर आ रहा है, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन विच प्लेन, एक्स वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन विच प्लेन, एक्स जेड, दोनों में कॉमन कौन, एक्स। तो एक्स कौन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है, तीनों एक दूसरे को होते हैं परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद रखना, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब लिखोगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यू शुड नो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आगे से याद रखो, हम हर बार इसको पूरा नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं इन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, राइट। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देर आर इलेक्ट्रिक फील्ड, और देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच आर परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। रिमेंबर, एग्जाम में आपको कोई नहीं पूछेगा ये सब, सिर्फ एज यूजुअल बेसिक बनाने के लिए जरूरी होता है। तो व्हाट इज स्टडी ऑफ लाइट कॉल्ड एज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट। तो लाइट का नेचर क्या है पहले ये समझना पड़ेगा, व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट, व्हाट इज लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हेन यू से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो उसमें कौन कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोर्शन को क्या है, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहाँ तक क्लियर? और आपको लाइट के बारे में क्या पता है, व्हाट डू यू नो अबाउट लाइट, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैन ट्रैवल विथ और विदाउट अ मीडियम, ट्रैवल विथ और विदाउट अ मीडियम, मतलब मीडियम हो तो भी ट्रैवल करेगा, नहीं हो तो भी ट्रैवल करेगा। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट चालू करके रखा है, ये लाइट, ये जो ट्यूबलाइट लाइट को जनरेट करेगा वो आपके आंखों तक आ रहा है ना, देख सकते हो ना, यस, क्यों, देयर इज एयर। तो ट्यूबलाइट में और आपकी आंखों में क्या है, मीडियम कौन है, एयर, दिखता है, यस दिखता है। मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉटल है, इसके अंदर पानी है, पानी के भी आर पार दिखता है, यस दिखता है। तो लाइट कैन ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, लेकिन सन से अर्थ तक जब लाइट आया तो बीच में मीडियम था क्या,
नहीं कुछ नहीं है वहां पे, कुछ नहीं मतलब क्या है, वैक्यूम। तो विदाउट अ मीडियम भी लाइट ट्रेवल करता है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू अ मीडियम और विदाउट अ मीडियम। ये क्लियर यहां तक पक्का? अब लाइट से रिलेटेड जो भी ऑब्जर्व फेनोमेना है, हम बहुत कुछ देखते हैं रियल लाइफ में, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस। अभी तो बारिश का टाइम है तो दिखा ही होगा, रेनबो भी देखा, देखा रेनबो कभी तो देखा होगा लाइफ में, यस देखा है। तो ये जो रेनबो जनरेट हुआ इट इज बिकॉज ऑफ लाइट, मतलब कौन किसका किसके अंडर आएगा इसका स्टडी, ऑप्टिक्स। कभी कभी चलते चलते रास्ते में हमको कुछ ऐसा 6-7 कलर दिख जाता है, देखा है कभी वाइल वॉकिंग, चलते चलते नीचे देखा, ओ बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है, 5-6 कलर 7 कलर दिखते हैं क्या मिस्टर? जब आप रास्ते पे जा रहे हो बारिश के दिन में, राइट, तो नीचे देखते थे जा रहे हैं, सडनली देखा अरे वाह क्या कलरफुल पैटर्न है, राइट। तो वो कलर वहां थे ही नहीं, फिर वो पैटर्न बना कहाँ पे, आपके आंखों में, देखोगे तो है, नहीं देखोगे तो नहीं है, क्योंकि वहां तो वो बना नहीं, पैटर्न बना कहाँ पे, राइट इन योर रेटिना। तो ये जो ऑब्जर्व फेनोमेना है, रेनबो का फॉर्मेशन हो, कलरफुल पैटर्न हो, और भी बाकी चीजें हैं जो भी लाइट से रिलेटेड फेनोमेना है, इसको स्टडी करने के लिए हम 3 कैटेगरी करते हैं। तो ऑल द फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरी कौन से, वो पहले समझ लेंगे। तो ऑल द फेनोमेना जो कुछ भी आप देखोगे, मे बी रेनबो, मे बी सीधा लाइट देख रहे हो, मे बी प्रिज्म है आपके पास, प्रिज्म से लाइट को पास किया तो 7 कलर दिखते हैं, राइट। तो ये जितने भी ऑब्जर्व फेनोमेना है, इसके बाद मैं बाहर भेज दूंगा, राइट। ऑल द फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। अब यहां से इसके आगे से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होगा, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हम लाइट के स्टडी को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, पहले कैटेगरी को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी भी बताया कि आपको 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ क्या देखना है, रे ऑप्टिक्स। यू आर सपोज टू ओनली स्टडी रे ऑप्टिक्स इन 11th। तो पहले तो पता होना चाहिए कि रे ऑप्टिक्स क्या है, और रे ऑप्टिक्स पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि रे क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, अब सब कुछ एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेट अस से ये एक लाइट का बल्ब है। लाइट के बल्ब से मतलब सोर्स ऑफ लाइट से क्या इमिट होगा, एनर्जी। तो एनर्जी इमिट होगा और ये एनर्जी मतलब लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में, जिस किसी डायरेक्शन में ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये एनर्जी ट्रेवल कर रहा है, इसको बोलते हैं रे। अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, किसका ट्रेवल, एनर्जी का। अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट, राइट। समझ में आया? हमने बल्ब चालू किया, घर में बल्ब होता है, चालू किया, उसमें से एनर्जी इमिट हुआ, वो एनर्जी जिस किसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलोगे, रे ऑफ लाइट। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल वर्ड छोड़ दिया तो फिर आगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो याद रखो जितने भी ऑब्जर्व फेनामेना होते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्व फेनामेना है, रिफ्लेक्शन दिखता है क्या, रिफ्लेक्शन ना दिखता है, यस दिखता है। अभी भी आप थोड़े से विंडोज ओपन है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है विंडो का, तो ये भी ऑब्जर्व फेनोमेना है, राइट करेक्ट। देन यू नो समथिंग कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, सुना है वर्ड रिफ्रैक्शन, सुना है? नहीं सुना होगा तो सिर्फ गूगल करो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फनी एग्जाम्पल, इतना गूगल करो, आपको एक फोटो दिखेगा जिसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का कंटेनर है, उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, उसका मुंह बाहर है, पूरा बॉडी अंदर है, तो उसका बॉडी शिफ्टेड दिखता है, उसका बॉडी कहीं और दिखता है, उसका मुंह कहीं और दिखता है,
इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, वो भी डिटेल में सीखेंगे, ऐसा क्यों होता है वो भी समझेगा। तो जो भी ऑब्जर्व फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन आपको दिखता है? यस दिखता है रिफ्लेक्शन, यू कैन सी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं देखोगे तो गाड़ी का साइड मिरर में कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर लगा दिया फैंसी शो के लिए, कुछ दिख नहीं रहा। करेक्ट, वॉट यू कैन सी, यू कैन सी रिफ्लेक्शन। वॉट यू कैन सी, यू कैन सी रिफ्रैक्शन। वॉट यू कैन सी, वॉट यू कैनॉट सी और वॉट यू कैन सी इज द सेम थिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है वो भी समझेंगे डिटेल में। जो लोग ऑनलाइन बैठे हो, यू मस्ट नो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लास में जो लोग बैठे उससे पहले आप सुन रहे हो, एंड दिस इज ट्रू। जो वहाँ पे बैठे हैं घर पे, मैं जो बोल रहा हूँ आपसे पहले वो लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ इंटरनेट के थ्रू, व्हाट इज इंटरनेट, यहाँ पे कुछ केबल्स है, वायर्स है। इंटरनेट अभी अभी का इंटरनेट क्या है? फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक पता है क्या है? व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक? बोलते हैं ना हाई स्पीड इंटरनेट आ गया, हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर आ गया। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। पुराने जमाने में, ज्यादा पुराना नहीं, 10-12 साल पहले की बात है, इंटरनेट मतलब, इंटरनेट तो पता ही है आपको, पता है ना इंटरनेट सिग्नल, ये जो इंटरनेट का सिग्नल है ना, ये हम सेंड करते थे वायर्स के थ्रू, वायर मतलब करंट के थ्रू। और जहाँ जहाँ करंट होगा वहाँ वहाँ रेजिस्टेंस होता है और उसका स्पीड होता है स्लो। तो इसलिए इंटरनेट पहले था बहुत स्लो, क्योंकि रेजिस्टेंस, सुना है क्या ये वर्ड रेजिस्टेंस? व्हाट इज रेजिस्टेंस? अपोजिशन। किसका अपोजिशन? टू द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर हम लोग ये इंटरनेट करंट के थ्रू डेटा, हम लोग करंट के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे, अगर हम डेटा को करंट के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस होगा मतलब अपोजिशन होगा, अपोजिशन होगा मतलब स्पीड स्लो होगा। तो फिर इसलिए पहले ज़्यादा स्पीड मिलता नहीं था हमको, अभी हमको कितना मिलता है? 100 Mbps, 1 Gbps, 2 Gbps पर सेकेंड। कैसे आया? तो ऑप्टिक्स से आया। ऑप्टिक्स से कैसे आया? तो उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक, ऑप्टिकल फाइबर। हमने क्या किया? एक ट्यूब बनाया, उसके अंदर लाइट, लाइट छोड़ दिया, लाइट। तो सिग्नल पहले कौन लेके जा रहा था? करंट। अब कौन लेके जा रहा है? लाइट। तो सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कम हो भी गया तो 2 लाख तो होता ही है, 1.5 लाख तो होता ही है। 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन जा रही है। क्यों जा रही है? बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं सब बताऊंगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो भी समझेगा। तो याद रखो, एज आई टोल्ड यू, हम जो कुछ भी लाइट से रिलेटेड फेनोमेना ऑब्जर्व करते हैं उन सबको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी है रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमारा फोकस सिर्फ है डायरेक्शन के साथ, दैट्स इट। रे का डायरेक्शन क्या है, रे का एनर्जी क्या है, उसकी बात ही नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक लाइट है ना, सम लेजर लाइट। सपोज मेरे पास एक मिरर होता, मैं उस मिरर पे इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता, इंसिडेंट करता, तो क्या होता? रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे, हमने कभी बोला क्या, अरे देखो इसके पास इतना एनर्जी है, उतना वहां पहुंचा, वहां से उतना वहां पहुंचा। हम बात करते हैं कि एनर्जी की, हम सिर्फ बात करते हैं यहाँ से वहां गया, वहां से रिफ्लेक्ट होके वहां गया, वहां से वहां गया। तो जिस जिस ऑप्टिक्स के टॉपिक में आप सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हो उसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं उसको? तो 11th में पूरे चैप्टर में कहीं पे भी एनर्जी ये वर्ड सुनोगे ही नहीं। वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। लाइट आया, लाइट गया, कैसा गया वो देखते हैं बाद में। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि रे क्या, व्हाट इज रे? अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ 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 लाइट। ओके, ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? ऑफ एनर्जी। अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ एनर्जी From a source of light, from a source of light is known as ray of light. Okay.
ठीक है, तो इतना बेसिक्स जरूरत वैसे नहीं होती है, बट यू मस्ट नो पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। यहां तक क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर? यस। देन रे ऑप्टिक्स में हमको क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स में हमको पढ़ना है सारे के सारे फेनोमेना, सारे के सारे थ्योरी विच इज रिलेटेड टू ओनली डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो द फेनोमेना, द स्टडी ऑफ फेनोमेना, द स्टडी ऑफ ऑल द फेनोमेना, ऑल द फेनोमेना लाइक लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं और एक नाम लिखूंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट एक्सेट्रा, द स्टडी ऑफ ऑल द फेनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच आर रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, विच आर रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट मतलब रे, इज नोन एज रे ऑप्टिक्स, तो जिस किसी टॉपिक में हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स। तो द स्टडी ऑफ ऑल द फेनोमेना, जहां जहां पे सिर्फ डायरेक्शन रिलेटेड है उस सारे टॉपिक को हम एक कॉमन टॉपिक के अंदर डाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑफ ऑल द फेनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच आर रिलेटेड ओनली टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। यहां तक क्लियर? यस। अब रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला और सबसे सिंपल एग्जाम्पल इज रिफ्लेक्शन। तो यू शुड अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन का मतलब बता देता हूँ। हमारे पास एक सर्फेस है, लेट अस से दिस इज अ सर्फेस लाइक मिरर, उसपे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ। मैं अभी से ये वर्ड यूज कर रहा हूँ रे ऑफ लाइट। तो दिस इज लाइट, दिस इज एनर्जी, बट हमारा एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, हमको सिर्फ बात करनी है डायरेक्शन की। जब जब सिर्फ डायरेक्शन की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। तो वी हैव अ सरफेस ऑन विच देयर इज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। इंसिडेंट हुआ और क्या हुआ? जिस मीडियम से आया था, कहाँ से आया था? एयर से। कहाँ गया? एयर में। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, राइट। तो इनकमिंग रे इज इन एयर, आउटगोइंग इज आल्सो इन एयर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आप हमेशा मेजर करते हो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? परपेंडिकुलर। कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। जिस पॉइंट पे आके रे इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर। जो इंसिडेंट रे था उसमें और परपेंडिकुलर में जो एंगल बना इसमें क्या बोल दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे ये लाइट आया रिफ्लेक्ट होके वापिस गया, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो डायग्राम ए है, रिमेम्बर इसमें आई कौन है? आई कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर कौन है? रिमेम्बर दिस, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट डायग्राम में आर विल बी समथिंग एल्स, इट विल बी नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला एग्जाम्पल है रे ऑप्टिक्स का जिसमें हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब सिर्फ डायरेक्शन की बात है ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब आई की वैल्यू 60 डिग्री, राइट, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल, मतलब कितना एंगल?
तो हमने सिर्फ एंगल की बात की, और अगर आपको वेक्टर्स याद है तो मैंने बताया था डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय एंगल। तो हमने यहाँ पे ऐसा बोला कि इस लाइट के पास कितना एनर्जी है, कुछ बोला नहीं, हमने सिर्फ क्या बोला कितने एंगल पे इंसिडेंस हुआ और कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे सिर्फ किसकी बात की, डायरेक्शन, दैट्स इट। तो ये रिफ्लेक्शन कौन से टॉपिक का पार्ट है, कौन से टॉपिक का पार्ट है, रे ऑप्टिक्स, वेरी गुड। अब ऐसा भी तो हो सकता है और ऐसा होता है, यू शुड नो, यू मस्ट हैव हर्ड, सुना तो होगा, नाम तो सुना ही होगा, नहीं, रिफ्रैक्शन अभी तो बताया था मैंने। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में होता क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मीडियम चेंज नहीं होता, जिस मीडियम से रे आया उसी मीडियम में गया, राइट। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो रे ऑफ लाइट था, ये रे ऑफ लाइट मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करता है, मतलब बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर। अब ये जो रिफ्लेक्शन है इसको छोड़ दो फिलहाल, भूल जाओ, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, फॉर एग्जाम्पल रे पहले था एयर में, अब वो जाएगा दूसरे मीडियम में, दूसरा मीडियम क्या हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, हो सकता है ग्लास भी हो सकता है। तो रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम एंड इट इज गोइंग इनटू अनदर मीडियम। फिर आपको पता होगा व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर, मतलब रेयरर मीडियम, टू ग्लास, मतलब डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड इफ इट इज अदर वे राउंड, इफ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम and it is traveling into a rarer medium, glass to air, it bends away from normal. So, यहाँ पे भी तो आपने सिर्फ direction की तो बात की, आपने बोला rarer से denser, so it bends towards normal, मतलब आप बता रहे हो कि direction change हुआ, आपने energy के बारे में कुछ बोला यहाँ पे, नहीं, इसको बोलते हैं angle of refraction R. Second diagram में R is not angle of reflection, this is angle of refraction. Refraction, remember this. Correct? So reflection, refraction, ये सारे के सारे study होंगे optics में. अब तीसरा भी interesting चीज है, that is total internal reflection. हम details सीखेंगे, अभी फिलहाल मैं introduction दे रहा हूँ, तो सिर्फ समझ लेना, इसको as it is ले लेना, ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों हुआ, वो सब बाद में आएगा, डिटेल में आएगा। अब सपोज ये ग्लास का ट्यूब है, मैंने इसमें एक रे इंसिडेंट किया, ये रे कभी बाहर निकला ही नहीं, ये इंटरनली टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होता रहा। मैं ये टोटल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, ये पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया ना, ये ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, मतलब क्या, मतलब रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट हुआ, राइट। तो व्हाट यू हैव इज, यू हैव अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, हमारे पास एक सरफेस था, इस सरफेस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ और पार्शियली ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिट मतलब रिफ्रैक्ट हो गया। तो ऐसा भी होता है कि रे ऑफ लाइट, हमारे पास एक रे है जो जिसका एक पार्ट हो गया रिफ्लेक्ट और बाकी पार्ट हो गया रिफ्रैक्ट, ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे टोटल ये वर्ड क्यों यूज कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हुआ है, सिर्फ रिफ्लेक्ट हुआ है, बाहर कभी गया ही नहीं, उसको क्या बोलते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी एक बताया है, ये फाइबर ऑप्टिक। हम क्या करते हैं, हम एक स्पेशल मटेरियल लेते हैं, वो स्पेशल मटेरियल क्या होता है बाद में देखेंगे, उस स्पेशल मटेरियल में हम लाइट के बीम को इंसिडेंट करते हैं और वो लाइट का बीम अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट होता रहता है। सपोज इंटरनेट डेटा भेजना है, ये जो यहाँ पे लगा के रखा है फाइबर, ये वही है, ये वही ट्यूब है, मुझे एक कंट्री से दूसरे कंट्री हाई स्पीड में डेटा भेजना है, तो हम लाइट को अंदर ट्रैक कर देते हैं, उसको अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, और इसके अंदर कम से कम उसका स्पीड 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड,
1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो अर्थ का डायामीटर नहीं है। अर्थ का डायामीटर कितना है? 12,800, 12,800। स्पीड कितना है? 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ का डायामीटर कितना है? मतलब यहाँ से आपको किसी भी कंट्री में भेजना होगा, नहीं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बहुत स्मॉल टाइम में आप डेटा भेज सकते हो। यही तो हो रहा है ना, फिर लाइव क्लासेस क्यों होती फिर अदरवाइज? लाइव क्लासेस, इमेजिन इमेजिन कोविड से पहले, 2019 से पहले, कोविड से पहले, 2020 से पहले, ये अगर फाइबर ऑप्टिक्स नहीं पहुंचता ना हर हर घर में, हर गांव में, तो लाइव क्लासेस होते ही नहीं। कैसे होगी? स्लो इंटरनेट है, मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, 1 घंटे के बाद उसको सुनाई दे रहा है। उसने क्वेश्चन मुझे पूछा, मुझे 2 घंटे के बाद सुनाई दिया, तब तक क्लास ही खत्म हो गया, एंड ऑफ द स्टोरी, राइट? तो रिमेम्बर, ये सारा का सारा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स। क्योंकि यहाँ पे भी वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर? तो ये सारे ऑब्जर्व फेनोमेना, दे विल बी पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स। यहाँ तक क्लियर? अब दूसरा क्लासिफिकेशन, मैंने आपको बोला यहाँ पे, आई मेड इट वेरी क्लियर, ऑल द फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो पहला ही हुआ, पहला कौन सा हुआ? क्या हुआ? रे ऑप्टिक्स। उसको और एक नाम है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, करेक्ट। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, और ये जो वेव ऑप्टिक्स है ये आप 12th में सीखोगे। मैं अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही दूंगा। इसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। जैसे रे ऑप्टिक्स में आप सिर्फ बात कर रहे थे डायरेक्शन की, आप वेव ऑप्टिक्स में बात करते हो एनर्जी की। क्योंकि आपको पता है ये जितने भी लाइट की बात कर रहे हो तो लाइट के पास क्या होता है? एनर्जी होता है ना। कैसे पता? गड़बड़ गड़बड़ करने वाले, ध्यान है, ध्यान है मेरा, अच्छे से ध्यान है, तो गड़बड़ करना बंद कर दो। ओके, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो लाइट हैज एनर्जी? अभी ठंड आने ही वाली है, ठंड में सुबह बाहर जाके क्यों रुकते हो तुम? क्यों रुकते हैं? सनलाइट है ना, सनलाइट। सनलाइट क्या कर रहा है? सनलाइट हीट, हीट मतलब एनर्जी। तो सन से निकला हुआ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट यहां तक पहुंचा, करेक्ट। तो हर एक लाइट वेव के पास क्या है? एनर्जी। तो आपको पता है कि जो लाइट है उसके पास एनर्जी भी होता है। तो जब आप एनर्जी रिलेटेड फेनोमेना का स्टडी करते हो उसको आप बोलते हो वेव ऑप्टिक्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कभी, समटाइम्स इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो सोर्स ऑफ लाइट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो लाइट के बल्ब है, आई हैव टू सोर्स ऑफ लाइट, टू बल्ब ऑफ लाइट। अगर ये दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट एक स्क्रीन पे, क्योंकि ये दो सोर्स है, सोर्स क्या इमिट करता है? लाइट इमिट करेगा। तो यहाँ से वेव्स आ रहे हैं, ये वेव्स कहाँ जाएंगे? ये वेव्स किसी एक स्क्रीन पे पहुंच गए एक साथ, एक साथ, इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियसली। व्हेन लाइट फ्रॉम टू और मोर सोर्सेस रीच एट अ पॉइंट मतलब सेम पॉइंट पे, व्हेन लाइट फ्रॉम टू और मोर सोर्सेस रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। दो सोर्सेस थे, दोनों में से लाइट आ रहा है, इन दोनों का लाइट एक पॉइंट पे एक साथ पहुंच गया, इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियसली। पहला आया गया, फिर दूसरा आया, कुछ नहीं होगा, फिर क्या होना चाहिए? एक साथ पहुंचना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक साथ पहुंचना चाहिए। तो उस केस में रिमेम्बर, पहले वेव के पास क्या था? एनर्जी। दूसरे वेव के पास क्या था? एनर्जी। अब सपोज ऐसा होता, अगर ऐसा होता है नहीं, अगर ऐसा होता मेरे पास एक ही लाइट का सोर्स होता, सिंगल सोर्स, और एक ही सोर्स का लाइट एक स्क्रीन पे पहुंच गया, तो मुझे क्या दिखेगा? पूरा का पूरा सेम कलर। आई हैव वन सोर्स ऑफ लाइट, मेरे पास सिर्फ एक ही लाइट है और एक स्क्रीन है, मैंने उस स्क्रीन पे लाइट लगा दिया, तो क्या दिखेगा आपको? सेम कलर हर जगह पे, क्या दिखेगा? सेम कलर, करेक्ट। सेम कलर, सेम ब्राइटनेस, हर एक पॉइंट पे, कहीं पे भी चेक कर लो,
यहाँ पे भी उतना ही ब्राइटनेस, यहाँ पे भी उतना ही ब्राइटनेस, यहाँ पे भी उतना ही ब्राइटनेस, हर जगह पे ब्राइटनेस क्या है, सेम है, राइट। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म ऑफ एनर्जी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। यूनिफॉर्म मतलब सेम, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक के पास सेम एनर्जी पहुंचा, हर एक मतलब हर एक पॉइंट पे क्या पहुंचा, सेम एनर्जी। अब इमेजिन इमेजिन इमेजिन, मेरे पास दो सोर्सेस है, आई हैव टू सोर्सेस ऑफ लाइट। तो इस केस में पहले के पास एनर्जी है तो दूसरे के पास भी एनर्जी है, दोनों के दोनों वेव्स एनर्जी लेके एक स्क्रीन पे पहुंच गए, स्क्रीन के एक पॉइंट पे पहुंच गए, एक साथ पहुंच गए, तो क्या दिखेगा? अब हमको हर जगह पे सेम नहीं दिखेगा। अब ऐसा है, कहीं पे आपको एकदम ब्राइट दिखेगा, ब्राइट दिखना मतलब ज्यादा एनर्जी होना, और कहीं पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब क्या, वहां पे एनर्जी क्या है, जीरो है। क्या है एनर्जी? जीरो है, राइट। रिमेम्बर, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो वर्ड्स पे ध्यान होना चाहिए। तो व्हेन टू और मोर वेव्स, वेव्स के पास क्या है, एनर्जी। व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, देन देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जब सिंगल सोर्स था, जब आपके पास सिंगल सोर्स था, सिंगल वन सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे था सेम। क्या था? सेम। लेकिन दो वेव एनर्जी लेके एक स्क्रीन पे, स्क्रीन के एक पॉइंट पे एक साथ पहुंच गए, तो एनर्जी का क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कहीं पे एनर्जी ज्यादा पहुंचेगा, कहीं पे नहीं पहुंचेगा। जहां पे एनर्जी ज्यादा पहुंचे वो क्या दिखेगा? ब्राइट दिखेगा। जहां नहीं पहुंचा वो क्या दिखेगा? डार्क दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। तो वेव ऑप्टिक्स में हम किसका स्टडी कर रहे हैं? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका? रे ऑप्टिक्स में भी लाइट था, लेकिन वहां पे हमने सिर्फ लाइट के डायरेक्शन की बात की। एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पहले वेव के पास कितना एनर्जी था, दूसरे के पास कितना एनर्जी था, इन दोनों के एनर्जी का क्या हुआ, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, हमने कुछ भी बात नहीं की, सिर्फ डायरेक्शन, रे ऑप्टिक्स। जब हम एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं उसको? वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस, इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। और एक भी है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, वो डिफ्रैक्शन मतलब क्या, वो इंटरफेरेंस जैसा ही है, सिर्फ अगर आप नोटिस करोगे तो इंटरफेरेंस में क्या हुआ, इंटरफेरेंस में जहां जहां पे ब्राइट है वहां वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट है, मतलब एनर्जी क्या है, सेम। और जहां जहां पे डार्क है वहां वहां पे एनर्जी नहीं है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, देर आर पॉइंट्स विच आर हैविंग इक्वल ब्राइटनेस, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में ऐसा होता है कि सबसे पहले सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जहां पे स्क्रीन का सेंटर है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है, वो क्या है, सबसे ज्यादा ब्राइट है, मतलब वहां पे एनर्जी क्या है फिर, ज्यादा ब्राइट मतलब क्या, एनर्जी कम, एनर्जी कम ज्यादा, ज्यादा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है, फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब नथिंग, नो एनर्जी। उसके बाद फिर क्या है, एनर्जी है लेकिन कम है, तो ऑब्वियसली जहां पे एनर्जी कम है वो क्या दिखेगा, फेंट दिखेगा। दिख रहा है क्या फेंट? सेंटर में क्या दिख रहा है? सबसे ब्राइट। उसके आजू बाजू में क्या है? नथिंग, नथिंग मतलब नो एनर्जी। फिर क्या दिख रहा है? लाइट, लेकिन क्या दिख रहा है? कम, मतलब फेंट है, तो फेंट है, राइट। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी का क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सिर्फ इतना है यहाँ पे, ओनली थिंग हियर इज कि हर जगह पे जहां जहां पे लाइट पहुंचा उस हर जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट नहीं पहुंचा। सेंटर में सबसे ज्यादा लाइट है, सबसे ज्यादा ब्राइट है, उसके दोनों साइड पे कुछ नहीं है मतलब नो लाइट। फिर उसके बाद वापस से क्या है, लाइट है लेकिन लेस है, मतलब लेस इंटेंस है, मतलब फेंट दिखेगा। फिर क्या है, कुछ नहीं है। फिर क्या है, वापस से लाइट है लेकिन क्या है, लेस लाइट है। तो ऐसा सेंटर से दूर जाते जाओगे तो ब्राइटनेस कम होता जाएगा, फेंट होता जाएगा, फेंट होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस।
जहां जहां पे लाइट है इक्वल है मतलब इक्वल ब्राइटनेस है, या तो इक्वल ब्राइटनेस है या तो नहीं है। जहां पे सेंटर पे ज्यादा लाइट है फिर नथिंग, फिर लेस ब्राइट, फिर नथिंग, फिर इवन लेस ब्राइट, इसको बोलते हो डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हो इंटरफेरेंस। अब लॉजिकली सोचो ऐसा हुआ ही क्यों, क्यों होगा? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे ज्यादा ब्राइट है ज्यादा एनर्जी है, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे एनर्जी जीरो है। तो जहां पे हम एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं उस टॉपिक को क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। तो जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था हमने, लिखा है कुछ, क्या लिखा है यहाँ पे ऑप्टिक्स में, क्या लिखा है? द स्टडी ऑफ ऑल द फेनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा विच आर रिलेटेड ओनली टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑप्टिक्स। वैसे ही द स्टडी ऑफ ऑल द फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और भी है इसमें एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच आर रिलेटेड विथ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, विथ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इज नोन एज, क्या बोलोगे इसको? वे ऑप्टिक्स। विच आर रिलेटेड विथ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, इज नोन एज वेव ऑप्टिक्स, राइट? तो वेव ऑप्टिक्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। दस द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ एनर्जी ऑफ वेव इज नोन एज वेव ऑप्टिक्स। करेक्ट? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर, राइट? अब ऐसे भी कुछ टॉपिक है, ऐसे भी कुछ ऑब्जर्व्ड फेनोमेना है, जैसे एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल अच्छे समझना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा एक चैप्टर है 11th 12th में। आपको कभी कभी ऐसा होता है लाइट इंसिडेंट हुआ एक मटेरियल पे, मोस्टली मेटल, और इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। लाइट क्या है? वेव। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पार्टिकल। लाइट ने किसको इमिट कर दिया? पार्टिकल, मतलब वेव आया गायब हुआ, कौन मिला? पार्टिकल। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो। फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? तो देर आर सम फेनोमेना, जैसे एक नंबर वन ये, दूसरा भी है। दूसरा आपको अभी एज पर आई नो आपको कम से कम तो इतना पता ही है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। पता है एटम में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस, उसके बाद क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वो कहाँ होते हैं? ऑर्बिट में। आपको पता है हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वन। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्बिट में होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, वेरी गुड। लेकिन वो सेकेंड थर्ड फोर्थ में भी जा सकता है। और जब मैंने इसको हीट कर दिया, सपोज 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 वो तीसरे ऑर्बिट में पहुंच गया, एक्चुअली कहाँ था पहले? लेकिन कहाँ पहुंच गया? होना कहाँ चाहिए था? है कहाँ पे? इसको बोलते हैं अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट, साइंस में इसका नाम है एक्साइटेड स्टेट। तो ये अपनी जगह तो वापस जाएगा ही, जब ये अपनी जगह पे वापस जाएगा तो ये कुछ इमिट करके जाता है, उसको बोलते हैं फोटोन रेडिएशन, बराबर, राइट? तो दो मैंने दो एग्जाम्पल दिए, ऐसा और भी है, उसकी बात नहीं करूंगा, वो थोड़ा हायर लेवल हो जाएगा। एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब लाइट एक सब्सटेंस पे इंसिडेंट हुआ और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा है इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एटम। ये ऐसे दो ऑब्जर्व फैक्ट है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया, हमने तो सीधा इसको एमिटर लगा दिया। यू नो व्हाट इज एमिटर? क्या करता है? करंट मेजर करता है।
अगर आप एक सब्सटेंस पे लाइट इंसिडेंट कर रहे हो और उसको एमिटर लगा रहे हो, तो एमिटर में करंट मिलेगा आपको, बिना बैटरी का करंट मिलेगा। तो हमने तो ये चेक कर लिया, एक्सपेरिमेंटली चेक कर लिया कि जब लाइट इंसिडेंट हुआ तो मेटल से क्या इमिट हुआ, चार्जेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एटम से क्या इमिट होता है, रेडिएशन। अब ये दोनों फेनामेना को एक्सप्लेन करने जाओगे तो ये दोनों फेनामेना ना वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन कर सकता है ना रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन कर सकता है। मतलब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों का थ्योरी फेल है यहाँ पे। तो सम फेनामेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हम लाइट को वेव ट्रीट करते ही नहीं है, हम बोलते हैं लाइट क्या है, पार्टिकल है। क्या है? क्योंकि तो होता तो यही है ना, पार्टिकल आएगा, पार्टिकल आएगा, इलेक्ट्रॉन कौन है, पार्टिकल, पार्टिकल आएगा दूसरे पार्टिकल के साथ तो कोलाइड होगा और वो पार्टिकल को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो जहां जहां पे कोलिजन इन्वॉल्व होते हैं वहां वहां पे आप लाइट को वेव ट्रीट कर ही नहीं रहे हो, क्या ट्रीट कर रहे हो, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में तो लाइट कौन है, वेव, रे ऑप्टिक्स में लाइट कौन है, वेव। तो दोनों थ्योरी चलेगी क्या यहाँ पे? नहीं। तो नया थ्योरी चाहिए, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो जितने भी ऑब्जर्व्ड फेनोमेना है हमारे, किससे रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, उसको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। कैटेगरी नंबर वन, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में यू डील ओनली विथ डायरेक्शन। नंबर टू, रे ऑप्टिक्स में यू डील विथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। नंबर थ्री, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो फेनोमेना सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इमिशन ऑफ रेडिएशन और कॉम्पटन इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रे और वेव ऑप्टिक्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कोलिजन। हेंस वी आर ट्रीटिंग लाइट एज पार्टिकल, हेंस द थर्ड कैटेगरी इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हमारा फोकस इस चैप्टर में कौन से टॉपिक पे रहेगा, रे ऑप्टिक्स। तो हम इस पूरे चैप्टर में किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कल से हम एग्जैक्ट टॉपिक पे स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स पे। दैट्स इट फॉर टुडे।